सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आज का ये वीडियो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज की जो गाड़ी है ना यार, काफ़ी मशक्कत करने के बाद मिली यार। तो देखो, आज की जो कार है ना वो इलेक्ट्रिक है, और हुंडई की तरफ से तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया आ गया होगा कि कौन सी गाड़ी है। तो वो है हुंडई आयोनिक 5, मतलब इलेक्ट्रिक कार है। और जो कार जो दिखती है ना, अभी देखो ज़्यादा बोलता नहीं हूँ मैं, डायरेक्ट आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसी है वो कार। सो ये है इस कार की और यह ना ये थोड़ी डिफरेंट है, मतलब जो नॉर्मल जो हुंडई की कार आती है ना, तो वो थोड़ी सी मतलब बॉक्सी टाइप आती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट कार है। और कार मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार है। तो यहीं से ही आपको दिख रही होगी जो इसका फ्रंट लुक वगैरह है, तो मैं अभी आपको इसका पूरा ओवरऑल रिव्यू वगैरह दे दूँगा। जो भी है सब मैं इस कार के बारे में हम सब बात करेंगे, दिखाएंगे कैसी है गाड़ी वगैरह है, मतलब मस्त बनाई है हुंडई ने कार। सो चाबी से शुरुआत करते हैं। तो देखो चाबी ये कुछ ऐसी है, मतलब इसमें आपको बटन दिख जाते हैं, ये लॉक अनलॉक, ये प्रेस एंड होल्ड का है जिससे आप बूट वगैरह सब रिलीज कर सकते हो। और ये चार्जिंग का डॉक अगर आपको खोलना है तो इससे आप प्रेस कर से ये भी आप खोल सकते हो। तो मैं आपको फ्रंट का लुक दिखा देता हूँ। फ्रंट में यार जो कार जो इतनी मस्त दिखती है ना यार, मतलब आपको लगेगा जैसे यार कोई मतलब रोबोट टाइप है। मतलब ये देखो पूरी ऐसे आँखें बना रखी है, मतलब ये देखो पूरा स्क्वायर शेप, मतलब रेक्टेंगल शेप में, यहाँ से देखो ये उल्टा सी बना रखा है। और मतलब इतनी अट्रैक्टिव है ना यार ये कार, में पहली बार में प्यार हो जाता है यार ये कार से। और देखो पूरे यहाँ से ना जो डिज़ाइन वगैरह यार काफ़ी एकदम मस्त बना रखी है। तो देखो मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, पर अभी जो है वो है यार, कार इतनी है सेक्सी। और देखो फ्रंट से लुक देखो कुछ ऐसी है, मैं आपको 1x में भी करके दिखा दूँ, देखो क्या लुक आ रहा है यार कार में। और जैसे फ्रंट में आयोनिक 5 की बैजिंग लगी हुई है, और यहाँ पे देखो फ्रंट में कैमरा भी है, मतलब इसमें आपको 360 कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे मतलब ये अभी कार अंदर रखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ग्रीन क्यों है बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे है ना आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं, पर 6 देते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर ठीक है यहाँ पे आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं। और मैं आपको थोड़ी साइड से भी दिखा देता हूँ। अब साइड से यार मतलब क्या लुक आता है ये कार का, मतलब इतनी मस्त दिखती है ना ये कार, यहाँ से देखो क्या अच्छी कार दिखती है यार। मतलब जो इसमें जो एरोडायनेमिक्स वगैरह है वो काफ़ी मस्त है। देखो ये टायर भी आपको 20 इंच का मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा है। और ये देखो ना यार क्या मस्त इसमें, मतलब यार व्हील कितना मस्त बना रखा है यार। और ये मतलब बनाया इसी मतलब अकॉर्डिंग है कि जो रेंज है वो ज़्यादा मिल सके एरोडायनेमिक वजह से, इसमें हेल्प कर देगा। और यहाँ पे आपको इसमें डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, इसमें आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और कोई मतलब एयर सस्पेंशन नहीं है, नॉर्मल सस्पेंशन ही है। और साइड में देखो ये थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह भी लगा रखी है। और ये जो आपको हैंडल बार दिख रहा है, ये बेसिकली अंदर चला जाता है और बाहर चला जाता है, जैसे यहाँ पे आप प्रेस करोगे, आपके पास चाबी होनी चाहिए तभी वो निकलेगा। और ये है इसका ORVM। और देखो यहाँ पे कैमरा भी है, जैसे कि आपको इसमें 360 कैमरा मिल जाता है। और ये दिख रहे हैं ना, ये मैं आपको अंदर जाके वगैरह दिखाऊँगा। तो देखो ये ऐसे अभी मैं बैक से भी आपको लुक दिखा दूँगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा। देखो ये ऑटोमेटिक खुल गया, और पीछे आपको सेंसर भी मिल जाते हैं, पीछे भी आपको 4 सेंसर ही मिलते हैं, वो 6 होने चाहिए थे। और ये पूरा है, ये पूरा बेसिकली लिट अप हो जाता है। और यहाँ पे आपको आयोनिक की बैजिंग भी मिल जाती है, और यहाँ पे हुंडई का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है। और ये जो स्पेस दिख रही है आपको, यहाँ से आपका जो एयर वगैरह जो पास होगी जिससे इसमें हेल्प करेगी, ये भी क्लियर रहेगा, और बाकी कार को हेल्प भी करेगी। और वो आपको साफ एंड एंटी, और इसमें आपको कोई सनरूफ नहीं मिलती है, सिर्फ आपको मतलब एक बेसिकली रूफ मिलती है जो कि टिंटेड है, मतलब ये खुलती नहीं है, मतलब टिंटेड ही ना, मतलब थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप आपको मिलती है, जिसमें आपको अंदर धूप नहीं लगती है। और ये आपको यहाँ पे वाइपर दिख जाते हैं। तो देखो मैं जैसे ही ये अनलॉक दबाऊँगा तो ये हैंडल है ये बाहर आ जाता है, ORVM में वो भी निकल जाता है। ये आपको जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये बेसिकली पीछे जो भी अगर कोई व्हीकल वगैरह आ रहा है तो उसकी आपको ये वार्निंग दिखती है यहाँ पे। और ये काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ यार, मतलब क्योंकि गाड़ी महंगी है तो वो तो सीधी सी बातें देंगे। तो अभी देखो डोर से शुरुआत करते हैं। डोर में क्या दिखता है, डोर में आपको ORVM मतलब ऑफ़ और ऑन करने के लिए, फिर यहाँ पे आपको ये जो है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट वाला। ये आपको लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, यहाँ से आप मतलब जो भी आपका मिरर है वो आप आगे पीछे वगैरह वो सब कर सकते हो। ये है विंडोज़ के कंट्रोल, और ये है चाइल्ड लॉक के लिए, और यहाँ से आप खोल सकते हो। और ये स्पीकर दिया हुआ है, स्पीकर में है ना मतलब ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की थोड़ी सी लाइटिंग मिल जाती है क्योंकि इसमें एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, और जो बोस दिख रहा है आपको बोस की ब्रांडिंग का मिल जाता है। और यहाँ पे 1 लीटर तो नहीं, मतलब अराउंड 700-800 ml की बॉटल आराम से आ जाएगी। और यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाता है, जो और गाड़ी काफ़ी कम्फर्टेबल है। ओके, और देखो यार क्या मस्त है यार, अंदर से तो
क्या कूल दिख रही है ये गाड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखो ये है इसका स्टेयरिंग और डुअल स्पोक है, मतलब कोई थ्री स्पोक नहीं है। सो ये है सीट के कंट्रोल्स, मतलब ये आगे पीछे करने के लिए, रिक्लाइन वगैरह करने के लिए। और ये भी कुछ फंक्शन है, देखो इतने सारे फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ओ यार कितने ज़्यादा फंक्शन दे रखे यार, मतलब आधे तो मैंने आज खुद पहली बार में देखो फिर सीट फिर आगे आ गई। सो देखो मैं आपको जो जो मेरे को पता है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें है। सो ये थोड़ा सा इसमें कंसोल है, वैसे इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट का ऑप्शन ये है, ओके ये स्टार्ट हो चुकी है। और ये ड्राइव मोड सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसमें आपको HUD वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे आपको एक स्पीकर का मिल जाता है और ये बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है। ये भी डिस्प्ले है, ये भी, इसमें आप बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी बैटरी वगैरह बची हुई है EV में जाते। सो जीरो, मतलब अभी तो ये शोरूम में खड़ी है तो कुछ फीचर आ नहीं रहे, ताकि इसमें सारे दिखा देती है क्या क्या चीज़ें बाकी है क्या नहीं है। ओके तो अभी तो कुछ चार्जिंग का भी नहीं दिखा रहा है इसमें। सो ये देखो मैसिव सनरूफ है, खुलती नहीं है, बस कांच वाली है। लेकिन ये इसमें एक ही दिक्कत रहता है यार, मतलब कहीं इसको बाहर लेके जाए और कोई बड़ा सा पत्थर आके अगर इनकेस कभी गिर जाए तो डर रहता है यार ये चीज़ का, बट ठीक है यार ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ये है इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर, क्योंकि देख आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर वगैरह भी है, आपको दिख रही हो तो देखो देखो दिख यहाँ पे सारे लाइटिंग वगैरह है। और इससे ये ब्लैक भी हो जाता है, मतलब ब्लैकआउट भी हो जाता है और मतलब वाइट भी हो जाता है, जिससे आप सनसेट कंट्रोल कर सकते हो। इतने ज़्यादा फंक्शन है इस कार में लिटरली, मतलब पूरा अगर मैं आपको सारे एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो लिटरली एक घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि आधे तो फीचर मैंने आज खुद पहली बार देखे। जैसे कि ये वाला यार, इससे आप वो देखिए, वो ये वाली रो आप कंट्रोल कर सकते हो सीट को यार, मतलब रिक्लाइन भी कर सकते हो यार, क्या फीचर है यार ये यार, मतलब लिटरली दिस इज डैम गुड फीचर मैन। सो गजब फीचर है यार ये, तो लिटरली ऐसा फीचर तो मैंने पहली बार देखा है। तो मैं आपको पीछे का भी दिखा देता हूँ, तो अभी मैं पीछे की सीट पे आ सकता हूँ और पीछे की सीट भी आप रिक्लाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो ये दिख रहे हैं ये मतलब हीटेड सीट है, मतलब इनकेस अगर आप ठंडी में हो तो आप यहाँ से सीट भी मतलब हीट कर सकते हो, मतलब बेसिक वेंटिलेशन टाइप का। और आपको ये जो छेद वगैरह दिख रही है मतलब हीटिंग वगैरह के लिए है, और यहाँ से आप देखिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसे मैं अभी ये प्रेस कर रहा हूँ तो ये सीट आगे जा रही है, मतलब ये क्या कूल फीचर है यार ये। ओ मतलब इतनी इसकी मैक्सिमम है, ओके। सो ये मैं कह सकता हूँ, देखते लास्ट कितनी है रिक्लाइन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको राइट और लेफ्ट दोनों का लिखा हुआ है। सो ये अभी ये पोजीशन पे हूँ और मैं भाई काफ़ी सही पोजीशन है, बिकॉज अच्छा खासा इसमें मतलब हेडरूम का भी स्पेस वगैरह है और मतलब लेगरूम का भी अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पर आप मतलब लाइट वगैरह ऑन कर सकते हो और आपको LED मिलती है और काफ़ी ब्राइट है, अच्छी खासी ब्राइट है। और पिलर पे आपको ये AC वेंट वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ से आप मतलब फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। और यार मेरे को तो ये सबसे बेस्ट लगी है, देखो अभी ये ग्रीन है, टिंटेड है और पीछे मतलब बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। देखो गाड़ी तो है भाई एक नंबर, एकदम मस्त गाड़ी है, क्योंकि भाई बड़ी भी है काफ़ी गाड़ी। 20 इंच के आपको टायर मिल जाते, 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते, और पहली बात तो इलेक्ट्रिक है तो आपको ऐसा धुआं हुआ मारेगी नहीं और पेट्रोल का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम शोरूम वालों से भाई बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इफ़ दे कैन अलाउ अस टू ड्राइव देन इट विल बी बेनिफिट फॉर अस एंड यू टू, लेट्स सी। और काफ़ी गाड़ी तो बढ़िया थी यार, मस्त है, क्योंकि एकदम साइलेंट कैबिन वगैरह है। और यार मैं क्या बोलूँ यार, मतलब देखो वर्ड ही नहीं निकले, इतनी सारी चीज़ें हैं यार कार में। हाँ बस थोड़ी सी हैवी लगती है, बड़ी लगती है यार कार। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी कार के वीडियो आपको लाता रहूँगा, बस आप थोड़ा प्यार बरसाते रहे। सो दैट्स फॉर द वीडियो।